हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय क्लास टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 44 फोर ऑफ लेसन सेवन हु इज़ द बिगेस्ट सबसे पहले हम ऊपर देखें कौन 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 से ऐसे एनिमल्स हैं जो बिगेस्ट एनिमल्स हैं द ब्लू वेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ ब्लू हुएल जो है वो बिगेस्ट एनिमल है ठीक है ना बेटा पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है ब्लू वेल इट लिव्स इन ओशियंस ये कहाँ रहता है ये महासागरों में रहता है द बिगेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ इज़ द अफ्रीकन एलिफेंट सबसे बड़ा लैंड एनिमल ज़मीन पे रहने वाला एनिमल कौन सा है ये है अफ्रीकन एलिफेंट इसके बाद यहाँ पे देखना है आपको मैच द एनिमल्स विद दियर सैडोज और हाँ, एनिमल्स को उनके परछाई से मिलाना है मैच करना है उसके बाद देखेंगे देखिए लायन का लायन लाइन को जो है हम लायन की परछाई से मिला देंगे जीराफ को जीराफ की परछाई से एलिफेंट को एलिफेंट की परछाई से और कैमल को कैमल की परछाई से मिला देंगे सेकंड है नेम द फॉलोइंग द बिगेस्ट एनिमल आई हैव सीन अराउंड मी इज द इसको आप लोग खुद करिए ठीक है ना आप लोग जो सबसे बड़ा एनिमल देखे होंगे उसको लिख दीजिएगा एनिमल आई हैव सीन अराउंड मी इज द तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा एनिमल आपको लिखना है अब हम चलते हैं हाउ एनिमल्स मूव एनिमल्स मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर टू फाइंड फूड एंड शेल्टर तो बेटा एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं किस लिए फूड और सेल्टर के लिए फूड मीन्स भोजन और सेल्टर मीन्स आश्रय यानी अपने घर अपना घर रहने के लिए जगह बनाने के लिए अपना घर बनाने के लिए एंड टू स्केप फ्रॉम डियर इनमीज और अपने शत्रुओं से बचने के लिए एनिमल्स मूव क्यों करते हैं एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों जाते हैं भोजन के लिए घर के लिए यानी सेल्टर आश्रय के लिए और अपने इनमीज से बचने के लिए अपने शत्रुओं से बचने के लिए हाउ डू दे मूव वो कैसे मूव करते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं डू दे हैव लेग्स क्या उनके पास पैर हैं हाउ मैनी और यदि उनके पास पैर होते हैं तो कितने पैर होते हैं फिश और स्नैक सम एनिमल्स लाइक फिश एंड द स्नैक डू नॉट हैव लेग्स बेटा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास पैर नहीं होते फॉर एग्जाम्पल फिश एंड स्नैक इनके पास पैर नहीं होते हैं फिश मूव विद द हेल्प ऑफ फिंस एंड टेल्स फिफ जो है कैसे तैरती है अपने फिन्स यानी उनके देखो बेटा उनके ब, आ, बीच में बॉडी के बीच में दो पंख जैसे निकले रहते हैं उसको फिन्स कहते हैं हाँ फिंस की सहायता से और पूछ की सहायता से वो तैरती है इसने विगल ऑन द ग्राउंड और बेटा सांप जो है वो ज़मीन पर क्या करता है रेंगता है अगला डक और एमू बर्ड्स हैव टू लेग्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। बर्ड्स के पास दो पैर होते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं पानी में तैरने के लिए पर्च ऑन द ट्रीज ठीक है ना पेड़ों पर जो है बैठने के लिए और वाक चलने के लिए या एंड रन ऑन द ग्राउंड या दौड़ने के लिए ज़मीन पर दौड़ने के लिए बर्ड्स के पास दो पैर होते हैं बेटा जो उनकी जो है आ, पानी में तैरने में मदद करती है पेड़ों पर बैठने में मदद करती है चलने में मदद करती है या दौड़ने में मदद करती है इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे थैंक यू